बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए, उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा, चलती रहे ये जिंदगी। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए, उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा, चलती रहे ये जिंदगी। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे, रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जसवीर सिंह जस्सी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में सभी पार्टियां विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के बीच पैर जमाने की कोशिश में लगी हैं। प्रथम चरण के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान रथ रवाना कर दिया है। इस रथ का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी कार्यालय से किया, जिसके माध्यम से बीजेपी सरकार 15 वर्षों में किए गए कार्यों और योजनाओं को प्रदर्शित करेगी। पहले बीजेपी की बैठक हुई और फिर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक के बाद विकास रथ को अलग अलग विधानसभाओं के लिए रवाना किया। ये रथ अलग अलग विधानसभाओं में घूमेगा और विकास कार्यों की जानकारी देगा। इस दौरान अलग अलग भाषाओं जैसे हिंदी, छत्तीसगढ़ी और हल्बी में लोगों को जानकारी दी जाएगी। एलईडी रथ आप देख रहे हैं, ये एलईडी रथ अलग अलग विधानसभाओं में जाएगी और वहाँ पे सरकार की योजनाओं के बारे में, पार्टी के किए गए अभियान के बारे में, माननीय मोदी जी के भाषण के साथ साथ योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी और जो 15 साल की उपलब्धि है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए नृत्य के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से, छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में, हल्बी में, अलग अलग लैंग्वेज में उसको तैयार किया गया है। नृत्य नाटिका के माध्यम से भी डेवलपमेंट के काम को, प्रचार प्रसार का ये बड़ा माध्यम है और अधिकांश विधानसभाओं में इसकी तैयारी। तो आप इस रथ को देखिए, दरअसल सीएम रमन सिंह ने इस रथ को रवाना किया है और रवाना करने से पहले एक बीजेपी कार्यालय के भीतर बैठक हुई। बैठक में मंथन हुआ कि किस तरीके से ये रथ प्रचार करेगा और प्रचार करने के साथ साथ कैसे प्रेरणा देने का काम भी तमाम लोगों को करता हुआ नजर आएगा। इसी बीच इस मुद्दे पर और भी ज्यादा चर्चा के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने रायपुर स्टूडियो, जहां हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद है। श्री गांधी जी, क्योंकि पहले चरण का नामांकन आज समाप्त हो चुका है, नाम वापसी की जो तिथि थी आज नाम वापसी हो चुकी है और एक तस्वीर यहाँ पे साफ हो चुकी है कि पहले चरण में
कौन कौन से प्रत्याशी आमने सामने है। और राहत की बात यह रही दोनों पार्टियों के लिए कि बीजेपी से जो बागी प्रत्याशी के तौर पे राजा राम तोरेम जो थे बीजापुर से, उन्होंने भी अपने नाम वापसी ले ली है। और साथ ही एक सुखद बात है दंतेवाड़ा से भी है कि छवि कर्मागत ने भी नाम वापस ले लिया है। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि दूसरे फेज का नामांकन ऐसा शुरू हो चुका है और क्या तमाम समीकरण यहाँ बनते बिगड़ते तैयार है। हमारे संजय श्रीवास्तव जी है बीजेपी से, यहाँ पे धनंजय सिंह ठाकुर साहब है कांग्रेस से, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। हम तमाम मेहमानों का यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी से समझते हैं कि ये जो पहले जो बागी प्रत्याशियों ने जो आपकी नींद उड़ा दी थी, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर आपको राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन दूसरे स्टेज में फिर से कुछ सीटों पे जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे, जैसे रायगढ़ में विजय अग्रवाल जी ने उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है और साथ ही बसंत अग्रवाल साझा से आप इसमें किस तरह निकलेंगे, क्या आप डैमेज कंट्रोल करने जाएंगे यहाँ पे? देखिए पहले चरण का नामांकन समाप्त हो गया है और लगभग नाम वापसी का शायद आज आखिरी दिन था और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा विद्रोह कहीं कोई दिखाई नहीं दिया और ये प्रसन्नता का विषय है। होता ही है कि कोई इस पुराना नेता किन्हीं कारणों से भी बागी या फिर कहीं फॉर्म मारने की स्थिति में होते हैं और वो किसी भी पार्टी के लिए भी वापस आ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक सुखद वो क्षण होता है। और मुझे लगता है कि राजाराम तोरेन जी हों या फिर कांग्रेस की पार्टी के लिए जो भी उम्मीदवार ने नाम वापस लिया, मुझे लगता है कि उस पार्टी के लिए बड़ा राहत का काम करता है। मैं गांधी जी ये कहना चाहता हूं कि देखिए लगभग हमने 78 सीटों पर नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। कांग्रेस इस बात को कह रही थी कि हम 15 अगस्त को हम टिकट डिक्लेयर करेंगे, याद होगा आपको पुनिया जी से लेकर राहुल गांधी जी ने कहा था, लेकिन आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। खैर मुझे विषय नहीं है ज्यादा कांग्रेस पे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देखिए जब इतना बड़ा लोकतंत्र में चुनाव होता है बहुत सारे हमारे ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जो उस क्षेत्र में बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से चुनाव को एक व्यक्ति उस पार्टी से लड़ सकता है, इसलिए बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं मन के अंदर ये चीजें आती हैं कि मैं भी चुनाव के लिए बेहतर हो सकता हूं, तो निश्चित रूप से इस तरह के मन में बातें आती हैं जिसको पार्टी बातचीत करके शांत करा लेती है। काम चल रहा है, नंबर वन पे आप हैं मौजूद अभी भी और शायद आपको भी अभी उम्मीद होगी अपनी पार्टी से। देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा, निश्चित रूप से कहा कि जो 12 सीटों पर है उसमें एक यहां की भी सीट है और एक स्वाभाविक रूप से हम लोग काम करते हैं, नाम भी पार्टी ने विचार किया है, लेकिन अब जो भी पार्टी प्रत्याशी तय करेगी वो हमारा अधिकृत प्रत्याशी होगा और उसके लिए सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और इसमें मैं एक बात सुनना चाहूंगा कि देखिए आप फुटेज में देख सकते हैं कि डॉक्टर अमन सिंह रथ को हाईटेक रथ से रवाना किया जा रहा है। आपने दूसरे चरण में, क्योंकि दूसरा चरण इतना अहम है कि पिछली बार सत्ता की चाबी आपको इसी से मिली थी, पहले चरण में तो आप बैठ लेते और दूसरे चरण में आप 72 एलईडी से युक्त रथ आप रवाना कर रहे हैं, पहले चरण से सिर्फ 8 रथ है। आपको क्या लगता है कि जो दूसरे चरण का रन है वही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए लोकतंत्र में हर एक सीट हमारे लिए और चुनाव के अंदर में हर एक सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जहां हम पिछली बार मात खाए थे, जहां हमारी कमियां रहती है कमजोरी रहती है उस पर हम विशेष फोकस करके काम करते हैं। देखिए राज्य निर्माण के बाद 2003 और 2008 के दो प्रथम दो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, उनमें हमने बस्तर में बढ़ाई थी, अच्छी सीटें प्राप्त हुई थी। 2013 के चुनाव में किन्हीं कारणों से आपको मालूम है कि जिस तरीके की जीरम घटना हुई उसका एक इंपैक्ट रहा उस चुनाव के अंदर में और उसका नुकसान निश्चित रूप से हमको दिखाई दिया कि हम 4 सीटों तक सीमित रह गए, लेकिन व्यापक तैयारी हमने 5 साल में की है, तमाम प्रकार की योजनाओं को हमने लॉन्च किया है, जो योजनाएं हमने नीचे तक लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि इस बार तमाम प्रकार की योजनाएं हम लेकर यहां पर आए हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता के दरों का मामला ये सब लेकर हमें विश्वास है कि इस बार भी हम 12 सीटों में कम से कम 10 से 11 सीटें जीतेंगे। विश्वास है बस्तर राजनांदगांव को लेकर? निश्चित तौर पर जो फर्स्ट फेज के 18 सीटों हमने चुनाव जो प्रत्याशी हम उतारे हुए हैं और उम्मीदवार जो हमारे हैं वो जनता की पसंद का है, कार्यकर्ताओं की पसंद का है और उसका निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पर लाभ होगा और हम ज्यादा से ज्यादा सीट फर्स्ट फेज के चुनाव में जीतेंगे। और जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ एंटी कंबेंसी है, चाहे बस्तर क्षेत्र में बात करें, नानम क्षेत्र की बात करें, बर्तन नक्सलवाद की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की आत्महत्या का विषय है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, शिक्षा और स्वास्थ्य की मामला है, तो सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, एक मौके पर या तो मरीज को कांधे पर ले जाना पड़ता है या कमर पर जाना पड़ता है, सारे मौके पर लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 15 सालों में जो विकास है तो बहुत नारा लगाती रही लेकिन जनता तक विकास नहीं पहुंचा पाई है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और इसके पहले चरण का नामांकन जो शुरू है उसमें तो कहीं आप बैठ में है, 47 सीट जो है बीजेपी के पास में है, 27 आपके पास में और एक बीएसपी के पास में है, ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा जो आज से नामांकन शुरू हुआ? देखिए चुनाव और परीक्षा हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, कभी इसको कोई सहजता से नहीं लेना चाहिए,
निश्चित तौर पर जो चुनौती स्वीकार करेगा, जो चुनौती मानेगा, वो बेहतर तरीके से काम करेगा, बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगा और कांग्रेस पार्टी इसलिए तैयार खड़ी हुई है। हम बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और बेहतर काम लेके हम जा रहे हैं लोगों के पास कि आने वाले कल में अगर हमारी सरकार बनेगी तो किस प्रकार के हम काम आपके लिए करेंगे। तो निश्चित तौर पर चुनाव और परीक्षा चुनौतीपूर्ण होता है, कांग्रेस चुनौती को स्वीकार कर रही है। किसी भी प्रकार का हम आवंटन पर पीछे नहीं है। जिस प्रकार हमने पहली घोषणा किया था कि हमारी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी पहले आ गई, तो हमने पहले फेज के चुनाव का जो लिस्ट हमने पहले जारी किया है और 72 लोगों के चुनाव की जो लिस्ट हमें बहुत जल्द तक पेश होगी। पहले चरण के नामांकन में आप देखिए जिस तरह से बाकी प्रत्याशियों ने मिल उड़ा दी दोनों पार्टियों की, दूसरे चरण में कांग्रेस स्थिति ऐसी नजर आ रही है। देखिए पार्टियों में इस प्रकार की बातें जो है टिकट के मामले में हर बार हर चुनाव के समय आती है और मुझे पूरा विश्वास था, मैंने कल एक चैनल में इस बात को कह भी दिया था क्योंकि टीएस बाबा साहब जो है वो बस्तर के दौरे पे गए हुए हैं, मुझे पक्का विश्वास था कि छविंद्र कर्मा नाम वापस ले लेंगे क्योंकि टीएस बाबा निश्चित रूप से उनसे बात की होगी और समझाया होगा तो वो समझ जाएंगे, मैं समझ रहा था। इसके लिए जो है वो चीज हुई और आज एक अच्छा वातावरण जो है, तोड़ंग ने भी वापस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते भी ठीक हो गए, टिकटें भी जो पहले चरण की 18 टिकटें हैं वो ठीक ठीक बटी है, एक दो जगह को अगर आप बोलने की विवादास्पद स्थिति है बाकी अभी सब जगह की सही सीट निकली है। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जब आए थे उन्होंने जो बातें बड़ी बड़ी बातें की, घोषणा सारी की बातें की कि हम ऋण माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर में, अब जनता को इस बात को सोचना है कि किस तरह से ऋण माफी होगी किस तरह से नहीं होगी। कर्नाटक में हमने कर दिया, पंजाब में हमने कर दिया, छत्तीसगढ़ में भी हम कर देंगे, कितना असर उसका किसानों पर पड़ता है वो महत्वपूर्ण होगा। और जहां तक सवाल बस्तर क्षेत्र का है, मैंने आज से 1.5 साल पहले जब मैं वहां गया था दंतेवाड़ा तो मैंने रास्ते में देखा गांव-गांव में जो है भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन और स्वयंसेवक संघ के लोग भी गांव-गांव में जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए थे उस समय से। तो प्राथमिक स्थिति जो है हर चीज में जो है आप देखिए जो भी दौड़ है चुनाव प्रक्रिया की उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ आगे चल रही है, चाहे वो प्रारंभिक तैयारियां हो, फिर टिकट का मामला हो, चाहे वो चुनाव की प्रचार की प्रक्रिया हो, चाहे वो दौरे शुरू करने वाली बात हो, सब में जो है मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत फास्ट चल रही है और कांग्रेस स्लो चल रही है। लेकिन इससे कोई जीत हार का प्रश्न नहीं है, मैं इसी और खरगोश की भी कहानी है वही मैं कह रहा हूं, उससे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है उसका असर जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पड़ता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिल पाता, वो परेशान रहते हैं, इसीलिए जो वापो की स्थिति है हमारे आदमी को टिकट मिलना चाहिए इसको आपने क्यों दे दिया, ये पैरासूट वाली जो स्थिति कहीं ना कहीं रहती है पार्टी और कैंडिडेट, जैसे आपको अगर आपको उम्मीद है और कहीं अगर समय मिल जाए तो आपको प्रचार के लिए भी काफी समय मिल जाता है, सही समय पर टिकट का बंटवारा हो जाए तो कैंडिडेट को भी प्रचार प्रसार के लिए काफी समय मिलता है। लेकिन इस बीच में मैं एक और इशारा करना चाहूंगा कि जिस तरह से आप काफी जो बाबुल शर्मा जी कह रहे थे ग्राउंड पर आपने काफी अच्छा प्रचार प्रसार कर लिया, काफी आगे है, हाईटेक प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन इस बीच में महंत जी का जो बयान आया है कि बीजेपी के पास में लूट का माल है और इसलिए हाईटेक प्रचार कर लिया, जनता जानती है किसके पास कमाई हराम की और किसकी ईमान की है, मतलब ये जो इस तरह का जो शब्दावली है इसको आप किस तरह देखते हैं प्रचार और ये तमाम देखिए ये जो जिन शब्दों का आपने यहाँ पर उल्लेख किया है मुझे लगता है ये कांग्रेस का मूल चरित्र रहा है, कांग्रेस का हमेशा से अनुभव रहा है कि कांग्रेस इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है और ये गलती महन जी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। ये जब हार की बौखलाहट होती है लगता है कि हम ये संभावित इस चुनाव के अंदर में हम पराजित हो रहे हैं तो इस तरह के वक्तव्य निकलते हैं और जो शायद ये खींच कांग्रेस की दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है आप इस बात को बड़े गौर से ध्यान देंगे कि जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है जब से लगभग 15-20 वर्षों से जब से कांग्रेस हार रही है हर समय कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ये कहकर कहती है कि बीजेपी शासकीय संसाधनों का दुरुपयोग करती है, यहां तक कि वो ईवीएम पर सवाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल करते हैं, वीवीपैट पर सवाल करते हैं, तो लगभग वही स्थिति इस चुनाव के अंदर में फिर से हो गई है। कांग्रेस इस बात को महसूस कर रही है कि वो इस चुनाव को लगभग हारने की स्थिति पर खड़ी हो गई है। मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है और जिस तरीके के दृश्य कांग्रेस के आ रहे हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है तो उनको लगता है ये हार है और आज से इस तरह के बयान जिस तरीके से चालू है उससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। धनंजय जी आपके नेता लड़ रहे हैं कार्यकर्ता नहीं, देखिए जिस प्रकार के किसका नेता लड़ रहा है किसके
प्रत्याशी के ऊपर कुर्सियां फेंकी जा रही है, कौन मैदान छोड़ के भाग रहा है और कौन जाके पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है, नामांकन दाखिल कर चुका है, आज की जनता देख रही है। और जिस प्रकार डॉक्टर चंद्र महन जी ने बात कही है लूट के विषय जो कहा है, तो राज्य की जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य की खनिज संपदा का, वन संपदा का लूट मचा कर रखी है। जन नीति बना के जिस प्रकार से लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसके लाभ लोगों को न मिलाकर, जिस प्रकार उनके उद्योगपतियों को लाभ मिले भाजपा वाले समर्थित है और इस प्रकार लूट मचा कर रखी, तो निश्चित तौर पर चंद्र महन जी ने वही बात कहा। और जिसके पास लूट का माल रहेगा, जिसका लूट का माल रहेगा, निश्चित तौर पर वो पैसे को उड़ाएगा क्योंकि उसको मोह माया तो नहीं है, और जिस पास ईमान का पैसा है वो तो ईमानदारी से काम करेगा, और जो ईमानदारी से काम करेगा जनता साथ खड़ी हुई है। और जिस प्रकार के बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है जो सारी सच्चाइयां हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के सुब्रम स्वामी जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता कहलाते हैं, वही कह चुके हैं कि ईएम जो है पहली बार आरोप किसी लगाया कि ईएम गड़बड़ है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाया था। सारी चीजें तो ये हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है गांधी जी। और जिस प्रकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट किसमें है तो देख रही है, जनता जी बहुत करी हुई है, कांग्रेस पार्टी से जीत होगा। गांधी जी सवाल धनंजय जी ने कहा तो क्या मैं इसे प्रतिप्रश्न करता हूं कि उन्होंने कहा कि जनता ईमानदारी के साथ में खड़ी थी, तो तीन बार हमारे साथ खड़ी हुई तो हम ईमानदारी के साथ में जनता खड़ी थी, आप बेमान थे उस समय, आपके पास लूट का माल था 2003-2013 में, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हमारे पास आपने तो यही कहा ना, मैं ईमानदारी वालों के साथ में खड़ी होती जनता, आपके साथ सरकार हमने बनाया 3-8-13 हम ईमानदार थे, आप ईमान थे, आप ईमान थे, मुझे लगता है परिभाषा बदल गई। नहीं परिभाषा नहीं, हमारी परिभाषा आज ही वही है, लूट का मार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ था और लूट का बात किया गया, परिभाषा लूट किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का है, कोई परिभाषा नहीं है। कांग्रेस पार्टी कल भी आज ईमानदार है और आज भी ईमानदारी से हम चुनाव लड़ेंगे, ईमान के पहले चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास किसी प्रकार विलुप्त मार्ग पर है। फिर विपक्ष का अगर जनता विपक्ष से लाख समझे हमको स्वीकार है, लेकिन हम जनता के सत्ता में आकर जनता के साथ लूट मारे, भ्रष्टाचार कमीशन 50-55 साल का इतिहास बता रहे हैं आपको, 50-55 साल के इतिहास गवाह है, बेल में है उनकी माता जी, बेल में कम कम कड़ी पार तो नहीं है, बेल में है कड़ी पार तो नहीं है, कड़ी पार तो नहीं है, भारी लोगों का खाली कर रहा है, चौकीदार के रूप में चोट नहीं करा रहा है, कड़ी पार तो नहीं है, आपका घर आ गया है, कहने का आरोप तो नहीं लगा है, महिलाओं को महिलाओं को आरोप लगा है, चौकीदार को चोर तो नहीं कहा जा रहा है और कड़ी पार तो नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे अगर बेल है तो उनके उनकी सच्चाई तो अपराध में नहीं है। अच्छा जिस प्रकार कड़ी पार नहीं है, कड़ी पार है, कड़ी पार है, कड़ी पार है, अमित शाह कड़ी पार है और चौकीदार चोर है, ये जनता जान चुकी है, गांधी जी चौकीदार चोर है, जनता मान चुकी है। जी मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा कि बौखलाहट नहीं कर रहे वही बौखलाहट इनकी भी प्रदर्शित हो रही है, जो बौखलाहट तो आपकी है भाई, वो तो बेल है, अपराध ठीक नहीं हुआ है, न्यायालय ने तो तड़ी पार नहीं कहा है, और तड़ी पार तो बेल जनता है, जनता जानती है तड़ी पार कौन है, जोर न्यायालय न्यायालय ने तो तड़ी पार नहीं कहा है, जोर जोर से चिल्लाने से बात नहीं है, बात सच्चाई है, 2 बार बोलने से झूठ सत्य हो सकता, 2 बार बोलने से झूठ सत्य नहीं हो सकता, तड़ी पार रहेगा और चौकीदार चोर है, देश जनता मान चुकी है, चौकीदार चोर है, देश जनता मान चुकी है, सिद्ध हो गया चिल्ला रहे जित बिल्कुल चिल्ला बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, चौकीदार चोर है और न्यायालय ने तड़ी पार माना है, मुखिया को आप काला पीला करके बोल सके बड़ी पार है, अभी बहन जी चिल्ला रहे तो आप भी चिल्ला दो, निश्चित तो चिल्लाएंगे, अरे महिलाओं का जासूसी कराने वाला चरोदा में आता है, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार होता है, ये इसे भारतीय जनता पार्टी के नेता का चरित्र है। ये देखिए ये एक डाइवर्ट करना विषय को, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष में दोनों लोग पहुंच गए, बातें करूंगी तो बहुत सारी बातें चली जाएगी, मैं तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात करूँ, हाईटेक पर क्या मैं बहुत समझ से ये समझना चाहूंगा, 8 हाईटेक गाड़ियां रवाना की गई पहले चल गए, 72 गाड़ियां दूसरे चल गए, आपने भी कहा बाबुल शर्मा जी की प्रचार प्रसार में बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन हाईटेक की क्यों जरूरत पड़ी, जब आपने काम किया है तो आप सीधे संवाद करते जनता के बीच में जाकर, इतना हाईटेक प्रचार आपको लगता है कि जो अंडर करेंट है उसकी वजह से बीजेपी एलईपी और तमाम तरीके से यहाँ पे अपनी बातों को जनता तक इस तरीके से पहुंचाना चाह रही है, जो पहले बैनर पत्र के जरिए जाती थी वहां पे। देखिए पहले तो मैं आपको आज के जो डिबेट के तरीके को देख करके बोल रहा हूँ, जब एंकर कोई चीज बोलता है तो उसका समय खराब न करते हुए चिल्लाने से बेहतर उसको रुक जाना चाहिए, जो एंकर निर्देशित कर रहा है उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा उसका समय खराब होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ इसका ध्यान रखें।
दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा हाईटेक है, निश्चित रूप से विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि हम चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर आते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत है कि कोई पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती कि उसने विकास किया ही नहीं हो और वो विकास को मुद्दा बना ले, उसकी हिम्मत नहीं पार्टी की किसी की। निश्चित रूप से कुछ हुआ है तो उसने विकास को मुद्दा बनाया है, पहली चीज तो ये है। आप सिर्फ कह देंगे कि विकास हुआ ही नहीं है तो ये बात गलत है। निश्चित रूप से आप कहीं कहीं दिखा सकते हैं कि ये जाला दिख रहा है तुम्हारे घर में और बाकी जगह साफ है, फिर भी ये जाला दिख रहा है, कोने का कहीं दिखा देंगे आप, तो कहीं ना कहीं तो गलतियां रह जाती है। उसको दिखा करके विकास नहीं हुआ बोलना गलत है। दूसरी चीज ये है, हाईटेक वाली जो बात है, जब विकास हुआ है तो हाईटेक की जरूरत क्या है? जो वर्तमान परिस्थिति बन गई है, जो वर्तमान स्थितियां बनी है, जो लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का प्रचार किया गया है भाजपा के खिलाफ, और जो कांग्रेस को उम्मीदें बनी है, वो लगभग लगभग अपनी सरकार बन चुकी है, ऐसी मुद्रा में आ चुके हैं उनके नेतागण, उस स्थिति को देखते हुए जो है ये स्थितियां बनी है कि कहीं ना कहीं हमको प्रचार बहुत बड़े रूप में करना पड़ेगा, बहुत तगड़े रूप में करना पड़ेगा, उसका तरीका बदलना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उस मुद्दे पे सामने आ गई है। आप देखिएगा टिकट आवंटन के बाद में हाईटेक पब्लिसिटी जो है वो कांग्रेस भी करेगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है जीवन मरण का प्रश्न है। या तो 14 साल का बनवास समाप्त हो जो 15 साल हो गया है, और या फिर जो है ये चौथी बार सरकार बने, इसकी लड़ाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चौथी बार सरकार बनाना महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस के लिए जो सरकार में आना महत्वपूर्ण है, इसलिए हाईटेक की जरूरत पड़ी है। लेकिन इस तरह से जो मर्यादाएं लांघी जा रही, मर्यादा जिस तरह से बयान में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आप टीवी डिबेट कर रहे, ये मर्यादाओं को एक इसमें मर्यादा जो लानी जा रही है, उससे आपको देख सकते हैं जनता के मैसेज जो है वो सही देखे। अच्छा नहीं जाता। लेकिन कल डॉक्टर रमन सिंह ने शायद बैठक में ये कहा है, जो मुझे पता चला है अखबारों के माध्यम से, कि उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार का विवादित बयान जो है वो क्षेत्र में न दिया जाए, और जहां तक हो सभ्यता से बात की जाए। और जो पिछले साल पिछले चुनाव में जो स्थितियां बनी थी, यहां तक कि आप समझ लीजिए बस सीधे गाली गलौज नहीं दिए गए थे, बहुत सारी टिप्पणियां ऐसी हुई थी जो असभ्यता महसूस होती है, और ये होना नहीं चाहिए। डाइवर्ट हो जाना मुद्दों से, हम तो मुद्दे बात करें, मुद्दे पर ही चला जाए तो आप सीधे सीधे नेक टू नेक बात कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब अपने कानों को संस्थाओं के पास फंसती है तो किस प्रकार से मुद्दे को डाइवर्ट करती है, तो निश्चित तौर पर जवाब देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है तो आपको जवाब देना होगा। और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने तड़ी पार घोषित नहीं किया है अमित शाह जी को, मैं मुद्दे मार रहा हूँ, बात अगर होगी तो जवाब पूरे मिलने चाहिए, उनको न्यायालय ने घोषित किया है, तो निश्चित तौर पर सारी चीज वहां पर तय है। तो कहीं ना कहीं जो चीज न्यायालय तय किया है उसको कांग्रेस पार्टी ने तय नहीं किया है, उसे कांग्रेस पार्टी घोषित नहीं किया है, और बात उसमें आती निश्चित तौर पर आप कहना बहुत जाया है, मुद्दों पे बात नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दों में बात नहीं कर पाती है तो इस प्रकार का चरित्र रण करके प्रयास करती है। जब शुरू शुरू करके आज लोकसभा चुनाव देख लीजिए, इस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं का चरित्र रण किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सारी चीज के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ते रही है। जो देश के चहुमुखी विकास को अस्वीकार कर दे, हमने विकास को नकारा नहीं है, हमने कहा जिस प्रकार से विकास होनी चाहिए उस प्रकार विकास नहीं हुआ है, और जो दावे किए जा रहे हैं धरातल पे नहीं, हमने नहीं कहा कि पूरी तरह विकास नहीं हुआ। देखिए आप बताओ बस्तर क्षेत्र में देख लीजिए किस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में आप देख लीजिए किस प्रकार से अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको किस प्रकार कांवर पे लिखाना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, स्कूल नहीं है, तो हमने इस बात को कहा, चलिए आप दावे करोगे। आपने जो सवाल उठाया महिला से संबंधित, क्या सवाल है, 25 सवाल आप कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, आदिवासी महिलाओं के साथ जिसके दुराचार घटनाएं हुए हैं, तो पूरी घटनाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को बेनकाब करती कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो इस सारे विषय पर जाकर हमने तीसरा सवाल पूछा रमन सिंह जी के, आपने 15 साल में किसका विकास किया है, किसपे विकास किया है कांग्रेस के मुद्दों में जी, कांग्रेस के मुद्दों में आपको दम दिखता है? देखिए कांग्रेस के पास में मुद्दों का अभाव है, वैचारिक रूप से कांग्रेस लगभग कमजोर हो चुकी है। जो मुद्दों को लेकर वो 4-5 सालों तक जिन्होंने प्रदर्शन किया या विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के समय में किया है, अभी ठीक 25 दिन बचे हैं चुनाव के अंदर में, हम चुनाव की गति को हम गति को लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये 25 दिन में 25 सवाल करेंगे तब तक चुनाव संपन्न हो जाएगा, वोटिंग पड़ जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा, और इस प्रदेश के अंदर में चौथी बार जनता के विश्वास से जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बना लेंगे। कांग्रेस सवाल करती ही रह जाएगी, जनता के बीच में नहीं जाने के कारण ही तो ये 15 साल से विपक्ष में बैठे,
ऐसा नहीं है, इनको भी तो 50-55 वर्ष जनता ने दिया था काम करने के लिए, जिन्हें विकास के मुद्दों को लेकर ये बातचीत करें। कभी ये कहते हैं कि विकास पागल है, इनके राहुल गांधी अध्यक्ष जी कहते हैं विकास की चिड़िया को ढूंढते हैं तमाम प्रकार के विषयों को, जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा हम विकास यदि विकास किए तो विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर लोग भागते हैं दौड़ते हैं, यदि एक सड़क नहीं बनती तो उसके खिलाफ में आंदोलन हो जाता है, जनप्रतिनिधि के खिलाफ में आंदोलन हो जाता है, लेकिन हमने मुद्दा कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं बनाया, किसी के खिलाफ नहीं बनाया, हमने कभी प्रश्न नहीं किया किसी के ऊपर में, हम विकास के मुद्दे को लेकर 15 साल में हमने जो काम किया है इन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। हो सकता है काम तो काम गुजार काम है, काम क्या है जे काफी तरह से निकल रहे हैं बस्तर के दौरे पे, तो आप पार्टी प्रचार करने की जरूरत ही क्या है? देखिए गांधी जी, देखिए गांधी जी जो काम करेगा वो अपना प्रचार करेगा, सुनिए सुनिए ना सुनिए, प्रचार करेगा, जो नहीं करेगा वो विकास के मुद्दे को लेकर क्या काम करेगा? देखिए आज के समय की आवश्यकता है हर चीज, काम करने के बाद ऐसा नहीं होता आपने काम कर दिया तो पहुंच जाएगा, बहुत सारे हम सोशल मीडिया तमाम प्रकार की चीजों को हम प्रचार प्रसार विज्ञापन, याद नहीं देश की आजादी के बाद से हो रहा है, इन विज्ञापन में लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के शासन के विज्ञापन जाते हैं, जब हमने काम किया आज हम कम समय में 20-25 दिनों के अंदर में हमें हर घर तक पहुंचना है, लगभग सभी वोटरों के पास हमको पहुंचना है, ये एक प्रचार का माध्यम एक लंबे समय से पुराना इतिहास रहा है, हम घर घर तक जाना चाहते हैं, हम अपनी उपलब्धियों को बताना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर में ऐसी पार्टियां हैं जो लोगों को भ्रमित करके बीजेपी को बदनाम करके वो वोट बटोरना चाहती है, ऐसे समय में हमारी नैतिक जवाबदारी है कि हमने जो काम किया है उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएं, इसलिए हम इन कामों को कर रहे हैं। यही तो कांग्रेस पार्टी के दावों को पुख्ता करती है कि अगर विकास 15 सालों में घर घर तक पहुंचता तो इनको टीवी और कैमरा के माध्यम से विकास पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बर्दाश्त करना सीखिए। तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुद्दों का अभाव है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी महिलाओं के इज्जत आबरू बचे रहे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी बेटियों के साथ जिस प्रकार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है ये शायद इनको नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से बस्तर में और सरगुजा में जो जिले हमारे कारण बच्चों का जो बलात्कार घटना हुए राजनीति के लिए मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ के हर महिला की इज्जत आदमी का ख्याल रखना है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में महिलाओं की इज्जत ना हो छत्तीसगढ़ की, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे पूरा सम्मान करेगी, पूरी रक्षा करेगी। मुद्दे तो बहुत ही बाबूलाल शर्मा जी, आपको लगता है कि मुद्दों को कांग्रेस बहुत सही तरीके से जनता तक पहुंचाने में सफल रही? देखिए कांग्रेस ने बहुत मेहनत तो की है, इसमें कोई शक नहीं है, और जो उनकी क्षमता है उससे अधिक मेहनत की है। वहां प्रश्न वो नहीं आता, वहां प्रश्न आता है कि जो बीच बीच में खबरें आ जाती हैं कि ये नेता से स्क्रीनी बन रही है, ये नेता से स्क्रीनी बन रही है, वो वहां से बैठक से बाहर आ गया, वो ये जो बातें आती है ना ये कांग्रेस के खिलाफ चली जाती है कि पांच नेता दंतेवाड़ा गए, भूपेश बघेल दिल्ली चले गए, ये जो कांग्रेस के बारे में खबरें आती है उससे जनता के बीच में जो है विचलन की नहीं, वो ठीक, लेकिन जो ज्यादा जो है वो कांग्रेस की तरफ से क्यों आती है ये समझ में नहीं आता, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी चीजें असर डालती है जनता के अंदर में, और जनता जहां तक कांग्रेस का नामांकन एक तरह से पूरा क्लियर हो चुका है, क्या लगता है कितने सीट आने वाले पहले चरण? देखिए पिछली बार जब पहले चरण में जो 18 सीटों में हुआ था तो हमको बहुत कम सीटें प्राप्त हुई थी नांदगांव इस जिले में, हमारी सीटें यहाँ 4 और 2 6 सीटें थी 18 सीट में, इस बार हम 18 में कम से कम 15 सीटें प्राप्त करेंगे, ये हमारी बेसिक तैयारी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी हाँ, निश्चित रूप से 3 सीट ले देखे 3 सीटें प्राप्त होंगी, और इस बार हमारी पुख्ता तैयारी है बस्तर के अंदर में हम देखिए 15 सीटें प्राप्त करेंगे। जो 18 सीटें हैं उस 18 सीटों में कांग्रेस पार्टी 18 के 18 सीटें जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, नहीं देंगे एक भी सीट बीजेपी को, क्योंकि जनता में आक्रोश है और जनता कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। निश्चित रूप से जो दोनों क्षेत्र 18 सीटें हैं उसमें बराबर की टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं, भाजपा ने काफी आगे कदम बढ़ाए हैं और कांग्रेस की पुख्ता स्थिति जो थी वो भी बनी हुई है, टक्कर जबरदस्त होगी, रिजल्ट जो है वो जब मिला के पहले चरण का जो नामांकन है वो एक सब साफ हो चुका है, कौन किसके सामने है, निर्दलीय क्या है, जातिगत समीकरण क्या है, पार्टी ने किस तरह से इस पर फोकस किया है, और अमन सिंह भी खुद प्रचार पर निकल रहे हैं बस्तर के लिए और हाईटेक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी तमाम बातों को अलग अलग माध्यमों से पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम तमाम मेहमानों को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, संजय श्रीवास्तव जी आपका, धनंजय जी आपका, बाबूलाल शर्मा जी आपका, थैंक यू शुक्रिया। वो है जो काम भी पूरा करे और किसी को पता भी न चलने दे, जैसे माइक्रोटेक जंबो, न शोर न धुआं लेकिन चलाए पूरी दुनिया, एयर कंडीशनर, ऑफिस,
ट्यूबवेल, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हम सफर हैं डॉक्टर ऑर्थो, आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। घुटना, कंधा, कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते